हाय रीमा, वेलकम टू एजुकेशन इन योर हैंड्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्लास सिक्स की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हमने अब तक देखा कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स, मेहरगढ़, बुरजाम, दाउजली हेदिंग के बारे में, देखा नियोलिथिक टूल्स के बारे में, और देखा कि एग्रीकल्चर और हर्डिंग कैसे धीरे धीरे शुरू हुआ, डोमेस्टिकेशन के बारे में देखा। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्राइब्स के बारे में और कुछ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट छोटे मोटे चीज़ है उसके बारे में देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। जो हिस्ट्री के स्कॉलर्स हैं उन्होंने प्रेजेंट डे फार्मर्स, प्रेजेंट डे हर्डरर्स को स्टडी किया था और उन्होंने ये पाया कि बहुत सारे प्रैक्टिसेस उस टाइम भी होते थे जो अभी होते हैं। तो जो उस टाइम जो फार्मर्स और हर्डर्स जो ग्रुप में रहते थे उसको कहते थे हम लोग ट्राइब्स, ठीक है, उसको कहते थे ट्राइब्स। जो ट्राइब्स थे वो जनरली जो है उसमें 2 से 3 जनरेशन के लोग रहते थे। वो स्मॉल सेटलमेंट में रहते थे या कह लीजिए विलेज में रहते थे, जो कि आज भी हम लोग को देखने को मिलता है। 2 से 3 जनरेशन के लोग रहते हैं, वो सारे फैमिलीज एक दूसरे से किसी तरह इंटररिलेटेड होते थे और एक ट्राइब फॉर्म करते थे। उसके अलावा जो ऑक्यूपेशन थे वो थे हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग एंड फिशिंग, ठीक है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक या कह सकते हैं आप रूरल वर्क्स जो कि ट्राइब्स लोग परफॉर्म करते थे। वुमेन, चिल्ड्रन और मेन सबका अलग अलग रोल था। वुमेन का काम था एग्रीकल्चरल वर्क को देखना, बच्चों का काम था कि वो सारे बर्ड्स और एनिमल्स को फार्म से दूर रखें, ठीक है। एग्रीकल्चरल वर्क में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि सोइंग द सीड्स, ठीक है, उस तरह के बहुत सारे एग्रीकल्चरल वर्क, वो था वुमेन का काम। चिल्ड्रन का काम देखभाल करना। वुमेन और भी बहुत सारे काम करती थी, जैसे कि थ्रेश, हस्क एंड ग्राइंड ग्रेन, गेहूं को पीसना, गेहूं को साफ करना, ठीक है। मेन का काम था जो एनिमल्स थे उन सबको, लार्ज एनिमल्स को एक साथ ले जाना, ठीक है, और फिर चिल्ड्रन क्या करते थे, छोटे स्मॉल फ्लॉक्स को ले जाते थे। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बड़ा आदमी है वो 100 भेड़ बकरियों को ले जा रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे, उसकी 5 से 10 लोग को ले जाएंगे, इस तरह का काम होता था। जो क्लीनिंग होता था एनिमल्स का, मिल्किंग होता था, वो दोनों मेन और वुमेन दोनों एक साथ करते थे, और वो दोनों ही लोग पॉट्स बनाते थे, बास्केट्स बनाते थे, टूल्स बनाते थे, ठीक है। और वहाँ क्या था कि सिंगिंग भी होता था, डांसिंग भी होता था, डेकोरेटिंग द हेड्स भी होता था। तो सोचिए कितना, मतलब कितना कॉमन है, मतलब अभी भी वैसा ही होता है। वुमेन एग्रीकल्चरल वर्क करती हैं, मेन ले जाते हैं एनिमल्स को बाहर, मतलब बाहर ले जाते हैं, चिल्ड्रन जो है एनिमल्स की देखभाल करते हैं, लोग साथ में, मतलब सब लोग साथ में मिलके एनिमल्स को साफ करते हैं, सिंगिंग होता है, डांसिंग होता है, डेकोरेशन होता है, ये सब चीज़ें अभी भी होती हैं और उस टाइम भी होती थी। इसके अलावा जो लीडर्स हैं वो जनरली मैन होते थे, या तो ओल्ड एक्सपीरियंस्ड हो, ब्रेव हो, यंग हो, या फिर बहुत स्ट्रांग हो, उनको लीडर्स कहा जाता था। जो ओल्ड वुमेन है उनको रिस्पेक्ट दिया जाता था क्योंकि उनके विजडम और एक्सपीरियंस की वजह से। और जो ट्राइब्स, उसमें बहुत सारे रिच कल्चर और ट्रेडिशंस होते थे, ठीक है। अभी भी हम देखते हैं कि ट्राइब्स की अपनी लैंग्वेजेस है, ठीक है, वो उनका अपना म्यूजिक है, अपना स्टोरीज है, अपने गॉड एंड गॉडेसेस हैं, ठीक उसी तरह वैसा ही उस टाइम भी होता था। उनके भी अपने लैंग्वेज होती थी, म्यूजिक होती थी, पेंटिंग्स होती थी, उनके अपने भगवान होते थे, और आज भी वही हम लोग को देखने को मिलता है। जो अलग करती है आज ये आज की सोसाइटी, बहुत अलग सोसाइटी से ट्राइब्स को, वो ये है कि वो लोग मानते हैं जो लैंड है, जो पानी है, वो पूरे ट्राइब का, और सब लोग एक दूसरे के साथ उसको शेयर करते हैं, यूज़ करते हैं, और वहाँ कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अमीर और गरीब के बीच में। ये ट्राइब में वो है जो डिफरेंशिएट करता है हमारे प्रेजेंट डे सोसाइटी से। तो ट्राइब्स क्या क्या थे, वो लोग क्या करते थे, 2 से 3 जनरेशन इंटरलेटेड फैमिली के वो लोग एक साथ रहते थे, उनको हम लोग कहते थे ट्राइब्स। वो उसमें एग्रीकल्चर और हर्डिंग दोनों होता था। वुमेन ज़्यादातर करती थी एग्रीकल्चर वर्क, बच्चे क्या करते थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते थे। मेन करते थे, मेन जो है हर्ड ऑफ एनिमल्स को ले जाते थे, और क्लीनिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों लोग करते थे, मेन एंड वुमेन भी। दोनों ही मेन एंड वुमेन जो है बास्केट बनाते थे, टूल्स बनाते थे, डेकोरेशन करते थे, डांस करते थे, नाचते थे, गाते थे, और आराम से रहते थे। जो एक्सपीरियंस मैन थे, जो या तो ब्रेव थे, उन लोगों को लीडर्स बनाया जाता था, और ओल्ड वुमेन का रिस्पेक्ट किया जाता था,
ठीक है, उनके अपने कल्चर थे, उनके अपने ट्रेडिशंस थे, उनके अपने गॉडेस थे, पेंटिंग्स थे, और वो लोग सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक को समझाने से पहले मैं अपर लेयर और लोअर लेयर के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जो है सारे वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज ऑफ करते हैं और जो रीबिल्डिंग होता है हम लोग उसी के ऊपर करते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग रीबिल्ड करते रहे हैं तो वैसे वैसे वो एक लेयर ऑफ मोल्ड चढ़ता रहा है, ठीक है। उसी लेयर ऑफ मोल्ड की वजह से जो है हम पता लगाते हैं कि कौन सी सबसे पुरानी है, कौन सी सबसे नई है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या देखा है कि जो हमारा बॉटम लेयर मतलब कि ये सबसे पहला लेयर है, यहाँ पे उन्हें डिग डियर और पिग, मैंने दोनों को मिक्स करे, डिग बोलती है सॉरी, लेकिन डियर और पिग के भी बोन्स पाए गए हैं सबसे लोअर वाले लेयर में। ये दिखाता है कि शुरू में हमें पता नहीं था जब कौन से एनिमल्स को हम लोग को पालना है, तो हम लोग सारे एनिमल्स को ट्राई कर रहे थे, मतलब हमने शुरू में डियर और पिग को भी पालना चालू किया था। उसके ऊपर वाले लेयर्स में क्या हुआ, हमें शीप और गोट मिलना स्टार्ट हुए और उसके ऊपर वाले हमें वो सब कॉमन हो गए। इसका मतलब कि शुरू में हमने बहुत सारे एनिमल्स को पाला है, डियर और पिक को भी पाला है, लेकिन बाद में पता चला कि शीप और गोट हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद थे, इसलिए हमें उन्होंने उसे पालना स्टार्ट किया। जो मेहरगढ़ की साइट्स हैं उसमें हमने ये देखा है कि सबसे पहले हर्डिंग स्टार्ट हुई थी, और वहाँ पे हमने ये भी देखा है कि रेक्टेंगुलर हाउसेस भी होते थे जिसमें फोर कंपार्टमेंट होते थे, उससे ज़्यादा, जिसमें से एक जनरली स्टोरेज के लिए रख दिया जाता था, ठीक है, बाकी तीनों में लोग रहते थे। इसके अलावा उन लोगों का एक विश्वास ये भी था कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके आफ्टर लाइफ में भी उसको कुछ चाहिए होता है, तो उसके साथ वो लोग खाने के सामान, ठीक है, ज्वेलरी, ये सब भी उसके साथ रखते थे। हमें बहुत सारे साइट्स में इंसान के साथ जानवर के भी जो है बोन्स मिले हैं। इसका मतलब ये है कि लोग जब उसको बरी करते थे तो इंसान के साथ जानवर भी रख देते थे ताकि जब आफ्टर लाइफ में उसे खाने की कमी नहीं हो, ठीक है। तो इस टाइप का हमारा वो था, और ये सब जो अर्ली सेटलमेंट है ये 8,000 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था। सोचिए 12,000 ईयर्स पहले ग्रास मतलब वार्म कंडीशंस की वजह से ग्लास चेंज हुआ, 8,000 ईयर्स में सेटलमेंट हुआ है हमारा, तो कितना बड़ा हिस्ट्री हो जाता है ये। और ये चैप्टर तो अब कंप्लीट हो चुका है, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।